तो आज इस मोटो ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। ये जो आप मेरे हाथ में ये बुलेट देख रहे हो, ये भाई रीपेंट हुआ है और पूरा कस्टमाइज हुआ है। ओवरऑल लुक दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है भाई, और बहुत मस्त कस्टमाइज हुआ है ATR मोटरसाइकिल के द्वारा, जो कि अपना भाई है और इसको फुल्ली कस्टमाइज किया है भाई। खर्च से लेके पेंट जॉब एंड ऑल, जितना भी ग्राफिक्स वगैरह जो भी इसमें लगा है, सब चीज़ का डिटेल देंगे, प्राइस देंगे कि कैसा होने वाला है। जो भी बाइक है उसको अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया से ही होगा। इसका काम जो है बहुत परफेक्ट हुआ है भाई, आपको अभी हम दिखाते हैं। बस अभी ATR से मिलते हैं, वो अभी बड़ाकर में है, तो इसका भी कुछ अभी काम बाकी है भाई, अभी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग हुआ नहीं है। ये देख सकते हो, ये जो है अभी चेंज होगा और ओवरऑल सब कुछ लग गया, इसमें इंस्टॉल हो गया। पहले से इसका वीडियो मैंने कुछ शूट कर लिया बिफोर, तो आप लोगों को इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा। सो गाइस, ये देख सकते हैं बहुत ही सुहाना मौसम, और ये है डायमंड ग्राउंड अपना बड़ाकर का। बाकी पुल देखिए, जो कि ये वेस्ट बंगाल और झारखंड से जुड़ता है। तो हमारे सामने ही एक क्यूटी है, बुलेट क्लासिक 350, और क्या गजब का लुक लग रहा है भाई, मतलब वर्ड्स कम पड़ रहे हैं इसके तारीफ़ के लिए। बाकी ओवरऑल आप खुद वीडियो में देख लो कि क्या सीन है, और बहुत मस्त लग रहा है भाई, ख़तरनाक लग रहा है मेरे हिसाब से। तो वीडियो में आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। बाकी ओवरऑल इसमें बहुत कुछ चेंज है, मैं बिफोर शॉट आपको दिखा देता हूँ। पहले पहुँच चुके हैं और ये बुलेट देखें, जॉब हो चुका है इसमें। तो अभी कैसा लग रहा है, ये पूरा मैट फिनिश ब्लैक और ये गोल्डन टाइप्स, तो क्वालिटी ठीक लग रहा है। अभी ATR भी इसको फिटिंग करने के बाद देखते हैं कैसा लगता है। तो फटाफट इसको फिटिंग करते हैं, यहीं पे फिटिंग करके उसके बाद लेके जाएंगे। ये वायरिंग भाई गंदा है, तो उसको झाड़ू उड़ ले तो गंदा लगेगा फिर। हाँ, अच्छा घर में धुलाएगा ना। ओके, तो चलिए अब इसको आगे पूरा फिटिंग कर लेते, उसके बाद फिर मिलते हैं कैसा लगता है देखने में। बहुत ही देर बाद बुलेट हो गया रेडी, कम से कम 3 घंटा लग गया भाई। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, अभी स्टिकरिंग का काम बाकी है, बाकी हेडलाइट भी चेंज होगा और कलर अच्छा लग रहा है अब चलाने मस्त। मतलब ये जो अलग अलग कलर है ना, ये बढ़िया लग रहा है। तो हम 3 घंटा बोले, 5 बज रहा ना, तो कितना लग, 1 बजे आया, 2, 3, 4, 5, 4 घंटा, तो 4 घंटा लग गया भाई, 1 घंटा कम बोले थे। बस चलिए अब लेके निकलते हैं यहाँ से इसको। ये देखा ना आपने, ये था बिफोर शॉट और ये है अब उसके बाद होने के बाद काम उसका। अभी थोड़ा मोड़ा काम है इसमें बाकी, ठीक है, पेंट जॉब थोड़ा सा बाकी है। क्या क्या इसमें डिफॉल्ट है वो भी दिखा देता हूँ, और इसमें क्या खर्चा पड़ा है वो भी बताता हूँ, सारा कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। बस वीडियो में बने रहें, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा भाई, इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता है। और ये किया है ATR मोटरसाइकिल ने, ये रहा जो बाइक पर बैठा हुआ बंदा, उसको भी बुलाएंगे अभी। फ़िलहाल के लिए आप बाइक देख ले फर्स्ट, क्या क्या चेंजेस है मैं बताता हूँ। पहले तो ये देख लें, एग्जॉस्ट ये चेंज है, पहले ऐसा था अब ऐसा है, और इसमें क्रोम फिनिशिंग दिया गया है, कितना मस्त लग रहा है देख रहे हैं भाई, खतरनाक। फुल्ली पेंट है भाई, ये रीपेंट है पूरा, फुल्ली रिस्टोलेशन है इसका, फुल्ली पेंट, ये पहले ऐसा नहीं था। और इसके जा करके ये वाला लेग गार्ड जो कि नया है, और ये खुलता भी है, एक बार दिखा दूँ आपको, सेफ्टी के लिए बहुत मस्त चीज़ है। देखें ये रहा, तो अगर झगड़ा लड़ाई ऐसे होना नहीं चाहिए, अगर हुआ बाय चांस तो ये आपको बहुत काम देगा, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा भाई, ठीक है, ये अपना सेफ्टी के लिए, सिर्फ ओनली सेफ्टी पर्पस के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी इसको लगा देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बाकी आप लगा सकते हैं, आफ्टर मार्केट मिल जाएगा आराम से। ओके, देन जा करके ये हेडलाइट देखें, पहले ऐसा नहीं था, पहले था ऐसा और अब है ऐसा, ठीक है। ये सब ग्रिपिंग देखिए, ये सब पेंट है, ये सारा कुछ पेंट है, और बहुत अच्छा फिनिशिंग किया है भाई, आसनसोल से ये पेंट हुआ है, और फुल्ली न्यू कंडीशन जो होता है ना, जैसे आता है भाई एकदम शोरूम में ब्रांड न्यू, उसी टाइप का पूरा लुक दिया गया है। और ये देखें, ये पेंट जो इसका ओरिजिनल पेंट जैसा किया गया है, ना दाना ना कुछ, मतलब पेंट ओरिजिनल, अभी इसमें ना धूला लगा हुआ है भाई, देख रहे गंदगी, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा। बाकी इसको अगर अभी धो लिया है भाई, अगर इसको धो पहुँच करके पॉलिश वगैरह मार दिया जाए तो ये फिर एकदम चमक जाएगा, ठीक है। और ये देखे भाई रॉयल एनफील्ड का लोगो, एक बार ही आप देखें ऐसे करके, ये भी कस्टमाइज इसको बना करके लगवाया गया है, ठीक है, ग्राफिक्स आलम भाई के द्वारा इसको बना करके लगाया गया है, और फुल्ली मस्त लग रहा है एकदम गोल्डन टाइप्स।
एक्चुअली भाई आपका बताएं तो इसमें क्या क्या डिफॉल्ट हुआ है, खराबी क्या है कि ये पेंट देख रहे हो, ये वाला इस टाइप का पेंट नहीं होना था, ये होना था इस टाइप का पेंट, ठीक है। ये भी स्टिकर किया गया है, यहाँ क्रोम फिनिश है, तो ये वाला जो है पूरा होना था, ये वाला लीवर में यहाँ पे, और ये वाला मैं सॉकर में भी ये वाला मैं करना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। एटीएम भाई कम यार, तो आधे से भी थोड़ा सा डिटेल लेते हैं, इसमें पेंट जो अभी थोड़ा सा बाकी है, तो ओ भाई थोड़ा गर्मी भी आज ज़्यादा है। भाई ये जो पेंट होना था ये गोल्ड होना था ना, ये वाला तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत दिया है पेंट वाला, वो उसको समझ में नहीं आया भाई, पिक्चर पूरा अच्छा तो भेजा था लेकिन वो समझ नहीं पाया, कर नहीं पाया ये बोल सकते हैं। अब बाकी देख कितना चेंजेस है, ये तो ये होने वाला है अब ब्लैक ना, ये कर दिया जाएगा ब्लैक, और ये वाला कौन सा पेंट होने वाला है इसके बाद, ये भी ब्लैक हो जाएगा। तो अच्छा वो आप लोग को गाइस अभी से दिखा दे रहे हैं, हो सकता है आप लोग को इसमें पसंद आ जाए ये कलर, बाकी मुझे अच्छा लग रहा था कि ये वीडियो में अच्छा लगेगा ये कलर, क्योंकि ब्लैक हो जाएगा तो उसके बाद फुल्ली ब्लैक लगेगा तो समझ में आएगा क्या कस्टमाइजेशन हुआ है। तो क्या कौन सा, अच्छा ये भी चेंज होगा ना, ये कैसा कलर होगा, अच्छा अच्छा ये हो जाएगा कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर हो जाने वाला है भाई ये, और इसके बाद खतरनाक ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसा कि ये देखिए साइलेंसर में किया गया तो इस टाइप पर कर दिया गया तो और मस्त लगेगा। बाकी भाई अब जो व्यूअर्स लोग वेट कर रहे हैं इसका क्या कॉस्ट पड़ा भाई, ओवरऑल बहुत कुछ चेंज है इसमें, क्या क्या चेंज हुआ एक बार बता दें आदिल। साइलेंसर चेंज हुआ ना, लेड गार्ड, हेडलाइट, अच्छा इंडिकेटर भी चेंज हुआ इसका, नया पूरा लगा है, हाँ 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 हाँ। बाकी भाई अगर एलोविल का बात था लेकिन पार्टी बोला एलोविल हम नहीं लगाएंगे, हाँ पार्टी को पसंद नहीं था भाई, जिसका गाड़ी है जो कस्टमाइजेशन करवाए हैं उनको एलोविल नहीं चाहिए था, इसलिए स्पोक को ही कलर करा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब क्लासिक लुक दे रहा है भाई, ओवरऑल मस्त लग रहा है, अगर इसमें एलोविल लग जाता तो और अच्छा लगता, सोने में सुहागा, बट ये भी ख़राब नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। बाकी ये डे में भी देखिए कैसा लग रहा है, लाइट कर रहा है मस्त एकदम, अच्छा लग रहा है, मतलब इसका जो हेडलाइट लुक चेंज कर दिया पूरा भाई, तो पूरा यही है भाई, मतलब मस्त। अब मार्केट में इसका भाई रिव्यू मस्त आ रहा है, मतलब सब मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि क्या है, रिएक्शन मस्त आ रहा है भाई एकदम। अगर एटीआर मोटरसाइकिल का काम पसंद आया भाई तो कमेंट भर दे इसका नाम का कि भाई हमको भी करवाना है, हमको भी करवाना है भाई। एक बार भाई लोगों को कॉस्ट तो बता दो क्या लगने वाला है। ओके 30 to 35, मतलब कि 30 लेके चलिए 30,000, 30,000 में आपका बुलेट अगर कैसा भी है ना, अगर झामा बुलेट भी है तो बाकी अगर इंजन में कुछ फॉल्ट है तो उसका कॉस्ट अलग आएगा, उसको बनाने का रिपेयर करने का, बाकी अगर आपका गाड़ी आपको रीइंस्टॉलेशन करवाना है तो 30 रखिए अपने हाथ में और उसमें भाई कर देगा, और बाकी मेरा रेफरेंस आइएगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपना भाई है, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, एकदम करवा देंगे, टेंशन नहीं है। इसका मार्केट में रिएक्शन भी मस्त आ रहा है भाई, और ये बेसिकली भाई बुलेट लवर्स के लिए होने वाला है ये वीडियो। साउंड सुना दो। हाँ भाई सुना, भूल गए थे हम, एक्साइटेड में भूल गए, चलो एग्जॉस्ट का आप लोग साउंड सुन ले भाई। अच्छा पटाखा भी, ओ भाई बस ओ भाई पटाखा भी फूट रहा है मस्त। वो तो गंदा है, मैंने दिखा दिया कि धूल उल बैठा हुआ है, बाकी तो न्यू कंडीशन है, बाकी वीडियो में तो समझ में आ रहा होगा भाई लोगों को कितना न्यू है। अच्छा सीट भी बनेगा, अच्छा सीट बनेगा तो जल्दी में इसको लेके आ, फुल कंप्लीट कहां, अच्छा कंप्लीट, हाँ भाई लोगों को बोल दिए कि कंप्लीट नहीं हो भाई, क्योंकि हाँ भाई अगर, हाँ ये सही है, जो फुल कंप्लीट होगा भाई उसके बाद क्या लग रहा है आपको मैं अटैच कर दूंगा फोटो कि फुल्ली कंडीशन में कैसा लगने वाला है ये। बाकी ओवरऑल 80% काम हो गया क्या, 80% हो गया, कुछ जो है जैसे पेंट होने के बाद ये कैसा लगने वाला है वो मैं दिखा दूंगा। मैंने सोचा था कि पूरा कंप्लीट होने के बाद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या है ना मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो में अच्छा आएगा ये सब, तो क्या है कि आप लोग को हो सकता है ये पसंद आए। देख कहीं स्पेशली किया गया, देखिए यहाँ पे भी ये किया गया है, ठीक है इधर से आ जाए अगर तो इधर साइड में किया गया है ये वाला देख रहे हो, तो इस वजह से अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं पे ये चीज़ें दिए गए हैं तो अच्छा लग रहा है। बाकी शॉकर में भी देखिए पूरा पेंट कर दिया गया, क्रोम था तो इसमें ना स्टिकर किया गया है, फिलहाल तो स्टिकरिंग किया हुआ, यहाँ गोल्डन मार दिया गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम किया गया, क्योंकि भाई इसमें पेंट नहीं पकड़ता ना आदिल,
अच्छा क्रोम में ये जो भाई है ना, इसे पेंट नहीं पकड़ता, इस वजह से छूट रहा है, ठीक है, इसलिए स्टिकर का काम कराया गया है। इसमें भी सारा ऐसा पेंट किया गया था, लेकिन क्या क्रोम में पेंट नहीं पकड़ता है, आप लोगों को पता होगा, इसलिए वो छूट रहा है। देखिए, जैसे कि दिखा सकता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये देखिए ये छूट रहा है, ठीक है, अगर ये उखाड़े तो उखाड़ जाएगा पूरा, देखिए उखड़ जा रहा है, तो रहने वाला है नहीं, छूट जाएगा पूरा। इस वजह से इसको पेंट कराएगा ब्लैक, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन होता है इसका रहने का कि नहीं। तो अगर आप लोग भी कराना चाहते हो तो बस कुछ करना नहीं है ज़्यादा, कुछ कमेंट में लिख दीजिए और प्यार बना दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चाहिए तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई का कॉन्टैक्ट का डिटेल, आप भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुल्टी बढ़ाकर आसनसोल कुमारडूबी कहीं पे भी इधर रहते हो, रानीगंज दुर्गापुर कहीं से भी, भाई का ही कहाँ क्लाइंट है भाई, भाई रांची का क्लाइंट है भाई, सोच सकते हो, भाई के पास रांची से आ रहा है भाई बनाने के लिए, और रांची का गाड़ी भाई के पास आया बनाने के लिए, इससे बड़ा कोई बात हो नहीं सकता है। अगर आप लोग लोकल रहते हो तो प्लीज़ आ जाएं, और कॉस्ट कॉस्ट काम हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बिल्कुल बजट में काम हो जाएगा, बाकी हम तो रहेंगे ही हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए भाई को पहली बार देख रहे तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, पीस आउट।